अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ साजिद खान और आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आज की वीडियो कोई खाने पीने की चीज़ों पे नहीं है। आप लोग मुझे खाना खाना खा खा के ना आप लोग हंसते हो मेरे ऊपर के। भाई जो भी बाहर मिलता है मुझे दोस्त बोलता है यार तुम कब भी देखो बिस्कुट बिस्कुट डबो रहे हो, कभी किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो। आज की वीडियो नॉलेज के हिसाब से है और ये है 75 का नोट, सबने देखा होगा। आप देख सकते ये ग्रीन नोट आया था पाकिस्तान के 75 साल पूरे होने पर, लेकिन इसके बाद एक और नया नोट आया। वो खास वीडियो ये है, ये है ग्रीन कलर का, ये ब्लू तकरीबन, ये कोई पर्पल कलर है, ब्लू भी कह सकते हैं इसको। एक नया नोट आया। अच्छा जी, इन दोनों में क्या फ़र्क है? ये पाकिस्तान के 75 साल पूरे होने पर ये नोट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इशू किया था, जबकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के 75 साल पूरे होने पर ये नोट इशू किया गया। ये देखिए इसकी ख़ास बात ये है, ये नोट बहुत कम मार्केट में अभी अभी मुझे बहुत मुश्किलों से मिला है। तो इस वीडियो बनाने की ख़ास बात ये है कि मैं आपको दिखाता चलूँ कि इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। अच्छा, इसमें सब फ्रंट फ्रंट में आप देख सकते हैं पद्म जिना, सॉरी बैक पेज पे पद्म जिना का ये तस्वीर दी गई है और फ्रंट पेज पे मोहम्मद अली जिना की तस्वीर दी गई है। और इसमें एक ख़ास बात ये है कि अगर इसमें आप दिखा सक मेरा कैमरा मैन दिखा सके, ये देखिए ये जो है ना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो बिल्डिंग है वो बनाई गई है, उस पर छोटा छोटा लिखा गया बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये पूरा एक बड़े हिस्से से लिखा गया है। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ एक उसके लिए पट्टी दी गई है जिसपे सिक्योरिटी रीजन के लिए होती है मेरे ख्याल में, ये पर्पल कलर की है। और साइडों पर ये जो है ये उनके नाबीना लोगों के लिए दी गई है ताकि इस पे हाथ के जरिए चेक कर सकते कि नोट की पहचान हो सके। तो ये इसमें ये ख़ास बात है। और इसके पीछे जो आप देख सकते हैं पद्म जिना की तस्वीर के साथ साथ सोलर पैनल के ये पोल दिए गए, तो ये इस बात की निशानदेही करते हैं कि हम ये सोलर पैनल की तरफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान चाहता है कि भाई तवानाई की बचत की जा सके। अच्छा, एक गिलास में पानी ले लिया हमने क्योंकि पिछली बार में मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें ग्रीन नोट की, जो ये ग्रीन नोट है ना इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात की थी कि पानी में डुबोने के बाद अगर गीला हो जाए ये नोट ना तो भी ख़राब नहीं होता। तो आज इसकी जो नया नोट आया है इस पर भी चेक करते हैं कि ये भी ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से इसकी मजबूती कितनी है। चलो चेक करते हैं पानी में डबोगे। अच्छा भाई ये भी वैसे ही बनाया गया भाई, अच्छा नोट बनाया गया मुझे लग रहा है। देखिए इसको भी डबो लेते एक बार दोबारा, दो नोट पानी में रख दिए मैंने, देख सकते हैं आप लोग ये चेक करें। अभी दिखाते हैं इसका सीन। हाँ यार क्या बात है भाई, ये देखिए भाई ये नोट भी ख़राब नहीं हो रहा, ये चेक कर सकते हैं आप लोग पीछे के, ये देखिए ये नोट ख़राब नहीं हो रहा। तो दोनों की जो ड्यूरेबिलिटी है वो बड़ी वीआईपी किस्म की बनाई गई है। अच्छा एक और बात है, ये मार्केट में मशहूर ये फैल गई है कि भाई ये जो नोट है 75 के नोट ये कारोबारी लेने के लोग इस्तेमाल नहीं करते, लोग डरते हैं कि भाई कोई लेता नहीं है, कोई दुकानदार के पास जाते लेता नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने खुद कहा है कि भाई कारोबारी लेने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं ये दोनों नोट, और अगर आपसे कोई ये नोट नहीं लेता कोई का तो आप बैंक में जाके इसको चेंज भी करा सकते हैं। तो इसी हवाले से जो हमारा एक दोस्त है जो रक्षा चलाते हैं अमीर शाह, उनके पास ये 5 नोट है, वो मेरे पास कल ये बात लेकर आए थे कि 5 से 6 नोट है उनके पास। मैं पूछूंगा अभी अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा, अगले उनको उनसे पूछूंगा, अभी 6 नोट है उनके पास है। जब वो किसी दुकानदार के पास गए 6 नोट के मेरे ख्याल में तकरीबन 700 500 रुपये बनते, 550 रुपये, तो वो ये पैसे लेके गए दुकानदार के पास, दुकानदार उनको मना कर दिया कि भाई ये नोट नहीं चल रहे यहाँ पर। क्योंकि मैंने बताया परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है, आप इसको बैंक में लेके जाए, बैंक में इसको चेंज करा दीजिए। तो ये अच्छा हाल है सबसे। और दूसरी बात ये कि मेरे पास 2 नोट हैं तो मैंने शौकिया रखे हुए हैं, मेरे पास ज़्यादा तो नहीं है कि 2 नोट मैंने शौकिया रखे हुए हैं। और ये है कि भाई वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग एक इन्फॉर्मेशन बतानी थी। अभी आके अमित शाह से पूछते कि अमित शाह के पास क्या सीन हुआ था, उन्हीं की जबानी आपको सुनाते चले। अच्छा दोस्त से भी बात कर रहा था अमित शाह, आगे अमित शाह कैसे हो? शुक्र अलहमदुलिल्लाह ठीक हूँ यार। वो जो आपने मुझे एक बात बताई थी, अंदर आ जाओ अंदर बात करते हैं, यहाँ भाई नॉइज बहुत ज्यादा होगी, अंदर आ जाओ। चलो सही है ठीक है, अंदर आता हूँ। अच्छा फिर शाह ये आपके पास 75 के नोट है ना, तो लास्ट टाइम अभी मैंने वीडियो बनाई है 75 के नोट के साथ है ना, उस पर आपकी वीडियो एड कर रहा हूँ मैं जी। आप बताइए मुझे आपके साथ सीन क्या हुआ था, जब आप 75 के नोट आपको मिले मिले कहाँ से, पहले ये बताएं पूरी सीन बताएं। सीन ये था कि मैं जब पैसेंजर लेके जाता था वो अक्सर 75 के नोट पकड़ा देते ना, अच्छा वो मैं अपने पास रख देता था। अच्छा तो फिर उसके बाद जब मैं किसी को देता था वो बोलते भाई ये नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा। वहाँ मैं लेता था और लोग कहते कि भाई नहीं चल रहे हैं। नोट दिखाना, कितने कितने जमा किया आपने? मेरे पास टोटल है 11 नोट है, 7 हाँ 7 यहाँ पर है, 4 महीने घर में मैं अपने पुराने पैसे रखता हूँ ना। हाँ। तो यानी मतलब मेरा शौक है कि भाई जमा कर दे उसको। जी जो पुराने और नए पैसे जो होते हैं ना जी, जो 1947 से लेकर 1946 वो पैसे भी पड़े हुए हैं। आपके पास है वो नोट? हाँ वो पुराने पैसे तो स्टूडियो पे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? होने चाहिए, क्यों नहीं, स्टूडियो पे आएंगे इंशाल्लाह, सारा नोट एक रहना आपने। हाँ उसमें वो पुराने 1 रुपए का और 2 रुपए का बिल्कुल वीआईपी हो जाएगा यार, आप अगर वो नोट लग रहा हो उसमें हर किस्म का नोट है। दोस्तों के लिए वीडियो बनाएंगे हम लोग,
सारे नोटों की, अभी चार नोट उधर रखे हुए और ये नोट दिखाने, कितने नोट है ये? दो ये 75 के नोट है, दो ये और ये तीन, ये चार पांच, ग्रीन वाले है ना अभी, छह सात, सात नोट ये रखे, टोटल सात नोट है ये, सात ये चार घर में। अभी आपको एक बात बताऊं मैं जी, आपने परेशान नहीं होना जी, ठीक है? अगर आप ये नोट कोई लेता नहीं है जी, आप इसको बैंक में, किसी भी बैंक में जाके इसको चेंज करवा सकते हैं जी। जी अब तो आप खुश है ना? इंशाल्लाह खत्म हो गई आपकी जी, इंशाल्लाह ठीक है। आपने मेरी वीडियो भी देखी है, इस वजह से मेरी वीडियो बना दी है ये आपको। ये नोट ये है कि टेंशन लेनी नहीं आपने, अगर आपको कोई देता है तो आपने लेनी है नोट, लेने नोट आप इस्तेमाल करने, ये इसके ये टेंशन नहीं करने के बंद हो गए जी जी। हम लोग इस वजह से डर गए थे ना, फिर हमने भी लेना बंद कर दिया कि भाई ये तो नहीं चल रहा है। नहीं नहीं ऐसी कोई वाली बात नहीं है, हाँ। ये करीब हमारे सबसे करीब में बैंक, तीन बैंक है, किसी भी बैंक में ले जाओ, मैं किसी बैंक का नाम नहीं लूंगा, हर बैंक में चल जाएगा, क्योंकि स्टेट बैंक ने ये कहा है कि सब बैंकों में ये चल जाएगा आपका। आप वहाँ लेके जाइए, पांच नोट, छह नोट, सात नोट जितने भी है आपके लिए बहुत है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे 11 नोट है मेरे सर, टोटल 11 नोट है तकरीबन, ये 750-800 रुपए बनते थे, तो आप इसको ले जाके चेंज करवा दीजिए, आप बैंक वाले चेंज कर देंगे तो ठीक है। एंड में क्या बोलना है सब दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, लाइक करो, ये भाई ऐड करते हैं वीडियो को। अच्छा जो हम, अब मैं क्या करूँगा दो नोटों का, एक नोट जाएगा मेरे वॉलेट में, क्योंकि ये एक मेरे लिए इसको मैं अपने वॉलेट में रख दूँगा, और दूसरा नोट जो है मेरा ये नया नोट आया है, तो हम पाकिस्तानी क्या करते हैं इसको मोबाइल कवर के पीछे लगा दूँगा, इसका नहीं मोबाइल कवर के पीछे लगा दूँगा इसमें, देखिए अब ये मेरा मोबाइल है और ये हमारा सही। ये देखिए बड़ा प्यारा लग रहा है भाई, ब्लू ब्लू कलर के साथ था, सेम अच्छा लग रहा है ये, तो ये अच्छा लग रहा है, इसके पीछे लग रहेगा खूबसूरत नजर आ रहा है, तो ये पाकिस्तानी कर देंगे, पाको क्या करेंगे इसमें पीछे तक नोट का नहीं भाई, मजाक था ये, कुछ अच्छा लग रहा है, इस वजह से मैंने मोबाइल कवर में बैग पे लगा दिया, वरना मैं अपनी पीछे भी ला सकता था, लेकिन मोबाइल अच्छा लग रहा है, तो हमें खुशी है कि एक अच्छे नोट निकले, इस वजह से मैंने मोबाइल के बैग कवर पर लगा दिया इसको, और एक नोट मैंने अपने वॉलेट में रख दिया है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।